छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी विभागों में होने वाले इंटरव्यू एवं सिलेक्शन कमेटियों में अब एससी एसटी ओबीसी और महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर जारी किया गया है। सीएम जीडीए के प्रभारी मंत्री भी हैं। पिछले दिनों एक रिव्यू बैठक में सीएम ने यह व्यवस्था करने को कहा था। दरअसल सीएम को कई संगठनों ने यह शिकायत की थी कि ऐसी समितियों में महिलाओं के साथ इन वर्गों का प्रतिनिधित्व न होने से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रहती। इसके बाद जीडीए ने कैबिनेट की मंजूरी लेकर यह आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि सरकार के सभी विभागों के अधीन गठित साक्षात्कार एवं चयन समिति, पदोन्नति और छानबीन समिति में एससी एसटी और ओबीसी का पृथक प्रतिनिधित्व अनिवार्य है। इसके अलावा सरकार ने इन समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए महिला सदस्य को रखना भी अनिवार्य कर दिया है। जैसा कि अभी पता लगा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक फैसला किया है कि जिसमें ओबीसी एससी एसटी समाज के लिए इंटरव्यू और सिलेक्शन कमेटियों में ओबीसी एससी एसटी और महिलाओं का उसका सिलेक्शन कमेटियों में और इंटरव्यू में रहना नियम बनाया है। इसकी हम बहुत बहुत उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि कम से कम देश का एक प्रदेश के मुख्यमंत्री लोकतंत्र और संविधान की भावनाओं के अनुरूप सिलेक्शन कमेटी और इंटरव्यू में जो आरक्षित समाज है और महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर रहे हैं। पुनः उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।